आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। बेगूसराय में लगातार अपराधी के द्वारा हत्या गोलीबारी की घटना को अंजाम दे रहे हैं मूक दर्शक बनी पुलिस। नावकोटी थाना में अमन पसंद लोगों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जुर्म किया है। इसके जुर्म का शिकार सामाजिक कार्यकर्ता हो रहे हैं। उक्त बातें रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने छतौना में ठाकुर संतोष शर्मा के परिजनों से मुलाकात के क्रम में मंगलवार को कही। उन्होंने कहा, सुशासन का दावा करने वाली बिहार सरकार में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है कि सोशल मीडिया पर कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता ठाकुर संतोष शर्मा कोष थाना में बुलाकर पुलिस के द्वारा बेरहमी से पिटाई के बाद इलाज के क्रम में इसकी मौत हो जाना प्रथम दृष्टया संगीन जुर्म बनता है। इसे मुख्यमंत्री स्वयं संज्ञान लेकर दोषी कर्मियों को सजा दे, इसकी उच्च स्तरीय जांच कर उचित न्याय की मांग पार्टी करती है। ठाकुर संतोष शर्मा सामान्य परिवार से आते हैं। इसकी विधवा माँ, पत्नी, दो छोटे छोटे बच्चे, दो बहन, छोटा भाई धीरज के समक्ष भरण पोषण की समस्या है। भाई की पढ़ाई बाधित हो रही है। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा के साथ साथ पढ़ाई सहित अन्य आवश्यकताओं की जिम्मेदारी राज्य सरकार करे। पीड़ित परिवार को उचित न्याय नहीं मिलने पर पार्टी चरणबद्ध आंदोलन चलाएगी। उन्होंने पीड़ित परिवार के परिजनों से मिलकर उचित न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। बिहार के बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। हाँ, बिल्कुल सही बात है। पुलिस ने स्वयं क्षेत्र से जो आरोप लगता है आम आदमी के ऊपर, कानून को कभी कभी आम लोग हाथ में ले लेते हैं। पुलिस से कोई यह हक नहीं है जो मर्जी आए करे। पुलिस भी कानून से बंधी हुई है, लेकिन यहाँ जिस तरह की घटना हुई है, हो रही है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ की पुलिस के लिए कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब कोई व्यक्ति सोशल एक्टिविटी करे और उसके चलते पुलिस उसकी इतनी पिटाई करे कि उसकी मौत हो जाए, आज के समय में यह बात सोची भी नहीं जा सकती है, कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हर व्यक्ति को अधिकार है, हक है, जो कुछ भी कानून ने संरक्षण दिया है उसके लिए कोशिश करें। लेकिन अब घटना हो रही है, मुझको लगता है कि जो कुछ भी हाल में इस तरह की घटना या यहाँ हम हैं इस परिवार में, संतोष शर्मा के साथ जो कुछ भी हुआ, इस सब घटना को जोड़ करके एक उच्च स्तरीय जांच की ज़रूरत है। अब परिवार के लोग भी दहशत में हैं, डरे हुए हैं। स्वाभाविक रूप से लोग साधारण परिवार से आते हैं और जब प्रशासन के लोग ही पीछे पड़ जाएं तो डरना स्वाभाविक है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि मुख्यमंत्री जी, आप स्वयं संज्ञान लीजिए। ऐसे मामलों में तो कोर्ट को भी स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। कोर्ट भी कई बार स्वयं संज्ञान अखबार की खबर देखकर, टीवी चैनल की खबर देखकर लेता रहा है। इस तरह की घटना में भी स्वयं संज्ञान कोर्ट को भी लेना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को भी लेना चाहिए। हम लोग मांग करते हैं कि इस तरह की घटना और यहाँ की जो घटना है, इस पर विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें और उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और कोई आगे इस तरह की घटना प्रशासन के लोग करने के बारे में सोच भी ना पाए, ऐसी स्थिति बने। साथ ही साथ इस परिवार को तत्काल राहत की जरूरत है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए भी सरकार को अलग से आर्थिक सहयोग देना चाहिए।